रहीम दरअसल सवालात के मुख्तर जवाब तहरीर कीजिए। बेटा एक बात जहन में रख लें, जो मुख्तर सवालात के जवाबात होते हैं याद रखें, एक सवाल जो है तीन लाइनों से ज़्यादा ना बढ़े। पहला सवाल, मिर्ज़ा मोहसिन सईद किस लिए लिखते थे? मिर्ज़ा मोहसिन सईद अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए लिखते थे जब उनका जी चाह काम करने के लिए लिखना शुरू कर दिया, ना किसी की फरमाइश पर लिखते थे, ना सताइश की तमन्ना थी, ना मुआवजे के लिए लिखते थे। दूसरा सवाल, लाहौर के पब्लिशों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था? एक बार एक पब्लिशर लाहौर से दिल्ली इस मकसद के लिए आया कि मिर्ज़ा साहब से नावा लिखवाएंगे, तो उन्होंने मिर्ज़ा साहब को 1,000 रुपये की ऑफ़र की, तो मिर्ज़ा मोहसिन सईद ने कहा चाहे आप इस काम के लिए मुझे 5,000 या 10,000 दे देंगे मुझे यकीन है, लेकिन मैं नहीं लिख सकता क्योंकि जो पहले काम कर रहा हूँ उसी को मुकम्मल करूँगा, और लिखने से इनकार कर दिया। हालांकि ये वो ज़माना था जब 200-250 रुपये में एक अच्छा नावल मिल सकता था। तीसरा सवाल, मिर्ज़ा साहब की मरकतुल आरा किताब का नाम और मर्तबा बयान करें। अब मिर्ज़ा साहब की मरकतुल आरा किताब का नाम मज़हब और बातनियत बातनियत है, और उसका मर्तबा ये है कि आज के दौर में अगर उर्दू अदब की सबसे बेहतरीन 100 किताबों की छांटी की जाए तो इस किताब को इसमें शामिल करना पड़ेगा। मिर्ज़ा साहब की किन दो कौमी शख्सियात से अजीज़दारी थी? मिर्ज़ा साहब की जो अजीज़दारी थी, एक तो सर सैयद खान, दूसरे हैं मुंशी ज़काउल्लाह। अगला सवाल है, मिर्ज़ा साहब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए? मिर्ज़ा साहब 1906 और 1907 में 2 साल अलीगढ़ में पढ़ाया, इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर हुए। अगला सवाल है, मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला क्या था? मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला कुतुबीनी था, वो मुख्तलिफ किताबें पढ़ते रहते थे, और रिटायरमेंट के बाद उनका वाहिद मशगला मुतालिया कुतुबी रहा। पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने में सर्व कर देते थे। मुसन्निफ़ के प्रोग्राम दानिश कदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया? मिर्ज़ा साहब ने जवाब दिया कि इंसान दौलत के लिए लिखता है या शोहरत के लिए लिखता है, ना मुझे इसकी ज़रूरत है और ना ही उसकी ज़रूरत है। उसके बाद अगला सवाल, मिर्ज़ा मोहसिन सईद का हुलिया बयान करें। एक एरा टील, उजली रंगत, गनी बहू के सह में रोशन रोशन आँखें, और हंसते तो आगे से 2-3 दांत टूटे हुए नज़र आते थे, लेकिन वो बुरे नज़र नहीं आते थे, दान पान में आदमी थे। मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम तहरीर करें। मिर्ज़ा साहब के दो नावल यास्मीन, मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम तहरीर करें। मिर्ज़ा साहब के एक नावल यास्मीन और दूसरा ख्वाब हस्ती है। अगला सवाल, पितरस बुखारी से मिर्ज़ा साहब के ताल्लुक को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। पितरस बुखारी
मिर्ज़ा साहेब के शागिर्द थे और बेपनाह इल्म रखते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो मिर्ज़ा साहेब के सामने अपने आप को ही समझते थे। अगला सवाल है, आलम की मौत होती है, इस जुमले के मफहूम वजाहत के साथ बयान करें। आलम इल्म जानने वाला, आलम दुनिया को कहते हैं। एक इल्म जानने वाला बहुत बड़ी शोहरत रखता है और बहुत सारे लोग जहाँ वो रहता है इर्द गिर्द उसके रहने वाले अपने इल्म के प्यास बुझाने के लिए उसके पास आते हैं और रोशनी हासिल करते हैं, लेकिन जब वो आलम वफात पा जाता है तो वो इल्म का ख़जाना उसके साथ ही कब्र में दफन हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग इल्म के प्यासे उनकी प्यास नहीं बुझती। अगला सवाल है, मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। अलिफ, सबक मिर्ज़ा मुसाइद किस अदीब की तहरीर है? नज़ीर अहमद दहलवी, शाहिद अहमद दहलवी, अशरफ सबोही, मौलवी अब्दुल हक। ये दूसरा ऑप्शन है, शाहिद अहमद दहलवी। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की अजीज़दारी किस शख्सियत से थी? सैयद अहमद खान, शेख अब्दुल कादिर, शाहिद अहमद दहलवी, मुश्ताक अहमद ज़हदी। ये अलिफ है, सैयद अहमद खान। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बकौल इंसान किस लिए काम करता है? ये शोहरत, दौलत, इज्जत और वक़ार, शोहरत और दौलत। ये आखिरी ऑप्शन है, शोहरत और दौलत। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से कौन सी सनद ली? BA, MA तारीख, MA अंग्रेज़ी अदब, MA उर्दू अदब। ये तीसरा ऑप्शन है, MA अंग्रेज़ी अदब। महमूद निज़ामी के मकाले के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद सईद पर किसने तनकीद की? डॉक्टर तसीर, पितरस बुखारी, फैज अहमद फैज, हमीद अहमद खान। ये तीसरा ऑप्शन है, फैज अहमद फैज। प्रोग्राम दानिशकदा में कितने दानिशवर बुलाए जाते थे? 4, 3, 2, 7। पहला ऑप्शन है 4। मिर्ज़ा साहेब पेंशन का बड़ा सर्व कर देते थे, जायदाद खरीदने पर, खैरात करने में, किताबों पर, खाने पीने पर। यह था किताबों पर। अगला सवाल है, दर्ज अल्फाज और तरकीब की वजाहत जुमलों में इस्तेमाल के ज़रिए कीजिए। सानिहा इर्तिहाल, वालदैन की वफात सानिहा इर्तिहाल होती है, जो हर किसी के लिए, जिस पर हर कोई गमज़दा होता है। सुनामी, कल मेरे दोस्त की वफात की सुनामी मिली, एकाएकी नमाजी नमाज पढ़ने के बाद एकाएकी मस्जिद से जाने लगे बेमोज। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने अपना पहला नावल यास्मीन बेमुज़्द एक पब्लिशर को दे दिया। अगला है, मुतमव्विल मालदार खाता पीता। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद एक मुतमव्विल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। बराबरदारी इसके माननी रिश्तेदार। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की सर सैयद अहमद खान से कराबतदारी थी, ही समझना कमतर समझना। मैं रिश्वत को ही समझता हूँ, या गरीबों को हीच नहीं समझना चाहिए। शुदा शुदा गुजरते गुजरते। अकबर की शादी की खबर शुदा शुदा तमाम रिश्तेदारों तक पहुंच गई। करोफर ठाट पाट। आज के दौर में हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है
कि वह करोफर से ज़िंदगी बसर करे। कालबे मुतमाइना दिली सकून, आज के दौर में सादतमंद औलाद कालबे मुतमाइना मिलती है। अर्ज़ मुद्दा, मैं अभी अर्ज़ मुद्दा नहीं किया कि अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। मुतबस्सिम मुस्कुराना मेरी कामयाबी की खबर सुनकर मेरे वालिद मुतबस्सिम हुए। राशा कांपना कपकपाहट, बुज़ुर्गों को राशा की बीमारी लाहक होती है। जामिन अलूम मुख्तलिफ अलूम पर दस्तरस हासिल करना, अबूर हासिल करना, अबूर होना। अलामा इकबाल एक जामिन अलूम हस्ती थी। बेटा अगला सवाल है, दर्जन अल्फाज पर इराब लगाकर उनका तलफ़ुज वाज़ेह कीजिए। ये सवाल इम्तिहान में दो नंबरों पर मरूज में आता है। पहला लफ्ज़ इरतेहाल, अलिफ़ के नीचे ज़ेर, रे पर जाज़्म, ते के नीचे ज़ेर, हे पर ज़बर। दूसरा शेआर, शीन के नीचे ज़ेर, एन पर ज़बर, रे पर जाज़्म। मुतमव्विल, मीम पर पेश, ते पर ज़बर, मीम पर ज़बर, वाव पर शाद, नीचे ज़ेर, लाम पर जाज़्म। साकित, सीन पर ज़बर, काफ के नीचे ज़ेर, ते पर जाज़्म। मुबाहिसे, मीम पर पेश, बे पर ज़बर, हे के नीचे ज़ेर, ते के नीचे ज़ेर। मुतबस्सिम, मीम पर पेश, ते पर ज़बर, बे पर ज़बर, सीन पर शाद, नीचे ज़ेर, मीम पर जाज़्म। कुदरी, काफ पर पेश, दाल पर जाज़्म, रे के नीचे ज़ेर। राशा, रे पर ज़बर, ऐन पर जाज़्म, शीन पर ज़बर। अब अगला सवाल है, सबक मिर्ज़ा मोहम्मद साईद का मतन ज़हन में रख कर दुरुस्त या ग़लत पर निशान लगाए। मिर्ज़ा मोहम्मद साईद की मौत की खबर पढ़कर दिल धक से रह गया। दुरुस्त है, मिर साहब पब्लिक प्लेटफार्म पर आने से घबराते नहीं थे, गलत है बल्कि घबराते थे। मिर्ज़ा साहब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे, बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त। मिर्ज़ा साहब जो कह देते उससे कभी ना फिरते, दुरुस्त। मिर्ज़ा मोहम्मद साईद दिल के मरीज थे, गलत। देखिए बेटा, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया जुमला खबरिया की किस्म है। इसके तीन अज़ा होते हैं। ज़ैल के जुमलों को पढ़िए। पहला अली बहादुर है, सारा लायक है, सोएब खुश है। बेटे इसके तीन हिस्से होते हैं और पहले जो ये अली है, सारा और सोएब या मुसनद एलह है, इसे मुब्तदा भी कहते हैं। और साथ ये खबर दी जा रही है, पहले फिक्रे में बहादुर, लायक, खुश, ये खबर है। और जबकि यह है फेल नाकिस है। ये तीन अज़ा पर यह मुश्तमल होता है। जबकि जुमला फेलिया भी जुमला खबरिया की किस्म है। इसमें और जुमला इसमें में इतना फ़र्क है, जुमला फेली में फेल ताम होता है। आपके जुमलों को पढ़िए। हमीद ने ख़त लिखा, फरिया ने खैरात दी, शुएब ने खाना खाया। अब इसमें ये बताया जा रहा है, हमीद, फरिया और शुएब, ये मसनद एलाए हैं और लिखा, दी और खाया फेलताम है। फेलताम या मसनद है, मुसनद है। अब फेलताम ये है कि इसमें ये फ़ैल लगा देने से ये फिक्रा क्या होता है, मुकम्मल हो जाता है। अब ये खबर दे रहे हैं,
खत खैरात और खाना क्या है? मफूल है। ये बात जहन नशीन कर लें कि किसी जुमले में किसी के बारे में कुछ कहा जाए तो वो खबर होती है और उसे मुसनद कहते हैं। जुमला इस्मी और जुमला फेलिया खबर के बगैर दुरुस्त नहीं होते। बेटा आज के ये इख्तिताम हो गया सबक का, और नेक्स्ट जो है ना अगला सबक पढ़ेंगे, तो आप इसके लिए इजाज़त दाफ़।